आपने पुलिस स्टेशन गए, आपको पुलिस भी सपोर्ट नहीं की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड वाले आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस दिन मैं पुलिस चौकी गई थी, बात है 19 अक्टूबर की जी, उस दिन 29 अक्टूबर की बात है जी, जी। उस दिन मुझे सूत्रों से ये पता चला कि एक खान का कॉल वहां पर गया था, जिसने पुलिस प्रशासन से कहा कि मिस चोपड़ा का बयान ना लिया जाए, और अगर ले भी लिया तो एफआईआर दर्ज ना किया जाए। अब आप बताइए, ऐसे में हम क्या करें? मैं जब जाती हूँ पुलिस के पास, वो कहती है जब ऊपर से आदेश आएगा हम तब एक्शन लेंगे। तो मैंने कहा, सर ऊपर मतलब कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? डीसीपी के पास जाना पड़ेगा क्या? कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ेगा? आप बताइए, मैं जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाल ही में पता चला कि हमारे डीसीपी ये हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, नए डीसीपी आने वाले हैं, तो मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाएं, ताकि मैं उनके पास जाऊं और अपनी शिकायत पेश करके पूछूं कि सर जुहू पुलिस कहती है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक वो एक्शन नहीं ले सकती है, तो प्लीज कृपया करके आप आदेश दीजिए। तो जब आप ओहो, आस्तीन वाला टॉप पहना, दिखा नहीं सकती हूँ मैं अपने डोले शोले, फील कर सकते हो। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि आज हर कोई चर्चा कर रहा है आफताब अमीन पूनावाला की, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। हम सब ने देखा पढ़ा कि कैसे आफताब ने प्रेमी का रूप धारण करके श्रद्धा वालकर को प्यार में फंसाकर, उनका गला घोटकर, उनको मारकर, उनके शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगा दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और सारा देश, हम सब जस्टिस फॉर श्रद्धा वालकर की गुहार लगाते हैं। हम चाहते हैं कि श्रद्धा वालकर जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और उन्हें इंसाफ तभी मिल सकता है जब हमारे देश के जल्लाद, दरिंदे और हैवान जैसे आफताब अमीन पूनावाला को सजाए मौत मिलेगी। तो ये मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से और अदालत से कि ऐसे दरिंदों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा कूल गर्ल क्लब में शामिल हो गई हैं। तो मैं जिम भी ज्वाइन किया है, कूल गर्ल। हाँ, कल मैं फिटनेस फर्स्ट जिम पर गई थी, और वहाँ पर किसी ने पूछा, अरे आप यहाँ राखी के जिम पर? वो राखी का जिम है क्या? एग्जैक्टली, हाँ हाँ वही। तो वहाँ पर गई मैं और पूछा कि क्या पैकेज है, क्या फीचर्स हैं, क्या सुविधाएं हैं। उन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे समझ में आया कि वहाँ की मेंबरशिप काफ़ी सस्ती है, तो मैंने बोला ठीक है, वाई नॉट। और मैं ज़रूर वहाँ पर भी जाना चाहूँगी, कम से कम हफ्ते में 2 बार, और अगर राखी सावंत से टकरार होती है, मुलाकात होती है, तो फिर जिम में ही शुरू हो जाएगा। आ देखें जरा किस में कितना है दम। तो अच्छा, मुझे राखी सावंत से पूछना है कि क्या वो आफताब अमीन पूनावाला को अपना भाई मानती है, और क्या वो श्रद्धा वालकर अपना भाई मानती है? नहीं नहीं, वो सारे आरोपियों को अपना भाई मानती है, साजिद खान को, राज कुंद्रा को, और जिन जिन लोगों ने जिन लोगों ने लड़कियों के साथ यौन शोषण किया हो या लड़कियों का मर्डर किया हो, उन सबको क्या वो भाई मानती है? हाँ या ना में वो जवाब दे। और क्या वो श्रद्धा वालकर जी को दोषी ठहराती हैं उनकी निर्मम हत्या के लिए? और वो खुलकर सामने आए, खोलकर नहीं, खुलकर सामने आए। क्या मैंने खोलकर बोला? नहीं ना, नहीं नहीं, बात। तो राखी सावंत, आप खुलकर सामने आकर मेरे इन सवालों का जवाब दें। और हाँ, मुझे हाल ही में पता चला कि